धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों तो 70 साल से यहाँ हमें कोई नागरिक नहीं था, सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे, लेकिन हम मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी। अभी जो भारत सरकार ने नागरिकता ला कर दी है तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम बयान नहीं कर सकते। जो भी केंद्र सरकार ने, जो भी संतों ने, जो भी यहाँ के सनातन ने मुद्दा उठाया है, राम मंदिर का ले लो, सनातन का ले लो, कोई भी मुद्दा नागरिकता का ले लो, हम तो कहते हैं ये अवतार है। तब जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार आता है, हम तो अवतार मानते हैं। जय श्री राम। हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों तो 70 साल से यहाँ हमें कोई नागरिक नहीं था, सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे, लेकिन हम मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी। हमें बहुत अच्छा लगा, क्यों तो 4 साल पहले भी बोला था, बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब भी हम ये कहना चाहते हैं भी पहले की तरह हमें आश्रय में मत रखना, हमें नागरिकता दीजिए और हमारे हाथ में आएगी जब हमें पूछिए, जैसे ये बिटिया हमारे हाथ में, इस तरह हमें नागरिकता भी दीजिए। आपने बताया कि किस तरह से आपने अपनी पोती का नाम आज से 4 साल पहले नागरिकता रखा था, जब बात चली थी कि नागरिकता जो है दी जाएगी शरणार्थियों को, क्या बोलना चाहेंगे अपनी पोती के बारे में? मैं इसके बारे में ये है तो मेरे को इस बच्ची का जन्म हुआ था, उसी के बाद ये नागरिकता का बात चलने लगी, तो इसका नामकरण था उसी दिन, बिल पास हो गया था बिना नागरिकता मिलेगी, तो हमने ये गुड़िया का नाम हमने नागरिकता रखा, क्यों तो इसी की तरह हम इनको संभाल के रखेंगे भाई, हमारे बच्चे की तरह हम जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गुड़िया का नाम नागरिकता रखा, इसी गुड़िया का नाम है नागरिकता, और वो नागरिकता मिली, एक ये नागरिकता मिली, हमारे पास दो दो नागरिकता हुई, जितना इसी का मान सम्मान करेंगे इतना उसी नागरिकता का भी करेंगे, हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, 23 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हुआ था और आज जो है नागरिकता देने की बात हो रही है, कौन सा बड़ा दिन है मेरे, हमारे लिए दोनों दिन बराबर के लग रहे हैं, क्यों तो राम जन्म को अपनी भूमि मिली, हमें अपना अधिकार मिला, हम बराबर समझते हैं भाई, जैसा उनको हक मिला ऐसा हमारे को मिला, इंसाफ बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं करा। जय श्री राम का, जय श्री राम की, जय श्री राम। क्या नाम बताया आप अपना? मीरा जी। आप कहाँ से हैं? हम सिंध हैदराबाद से। इससे पहले आप कहाँ थे, जब पुराना देश जो था आपको क्या था, कहाँ से थे? मतलब पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से। अच्छा, पाकिस्तान सिंध हैदराबाद जी। तो आप कुछ पाकिस्तान के बारे में बताना चाहेंगे, क्यों आप वहाँ से छोड़ के भागे, किस तरह की परेशानी जो हमारे को अभी भी यहाँ परेशानी हो रही है, आज उसी दिन नहीं थी, आज भी वही परेशानी झेल रहे हैं। हमारे वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा CA BA नहीं है, कोई वहाँ पुलिस नौकरी नहीं है, हमारा कोई सरकार पे अधिकार नहीं है, तो वहाँ रहने का हमारा क्या हक है? हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम सारी महिलाएं अनपढ़ है, वहाँ अनपढ़ रह के जीने का कोई अधिकार नहीं था हमारा। जय श्री राम। बहुत खुश है, खुश के मारे तो ये हुलवे बांट रहे हैं, ये पूरी बांट रहे, खा रहे पी रहे हैं, बस खुशी के मारे। अरे पुराने दिन तो हम भूल गए, आज तो नागरिकता मिल गए, पुराने दिन तो गए हमारे, आज नए दिन आ गए। हम इसी के बच्चों के भविष्य के लिए आए थे पाकिस्तान, वो भी हमारी जन्मभूमि, ऐसे नहीं कि वो हमें किसी से कोई लेना देना, अब भारत माता के हो गए हैं, यहाँ के नागरिक हो गए हैं, यहाँ रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, बुढ़िया पढ़ लिख के अच्छी बन जाएगी। मोदी जी को हमारा परिवार से हमारे नमस्कार, मोदी जी को धन्यवाद। वो तो हमने 2013 से लेकर बहुत मीडिया में बोला है, वो तो सबको पता है, जहाँ जो भी साधु संत रह रहे हैं, जो हिंदू सनातन धर्म रह रहा है, सबको पता है, भारत सरकार को भी पता है, क्योंकि वो उन्होंने धर्म के आधार पे मुल्क बांटा गया था, हमको तो मरने के लिए छोड़ा था बस वहाँ पे, और कुछ के लिए नहीं छोड़ा था,
हम जो भी दुख झेल कर यहाँ आ गए, लावे रिश्ते, हमारा मुल्क कोई नहीं था, ना यहाँ मुल्क था, ना कोई मुल्क नहीं था। अभी जो भारत सरकार ने नागरिकता ला कर दी है तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम बयान नहीं कर सकते। जो भी केंद्र सरकार ने, जो भी संतों ने, जो भी यहाँ के सनातन ने मुद्दा उठाया है, राम मंदिर का ले लो, सनातन का ले लो, कोई भी मुद्दा नागरिकता का ले लो, हम तो कहते हैं ये अवतार है। तब जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार आता है, हम तो अवतार मानते हैं। जय श्री राम। ये तो हमारा पहले से हक था भारत के अंदर, जो 1947 में जो हमारे से छीना गया था बंटवारे के समय, ये तो उस दिन से हमारे बच्चों का इंतजार था, हमारे माँ बाप का, हमारा इंतजार था कि हमें नागरिकता भारत की मिल जाए और हमें भारत के बच्चे कहलाए। और हमें बहुत खुशी है आज के बहुत दिनों के बाद, जैसे हम बंटवारे के समय कट गए थे, अभी दोबारा हम भारत की माता के अंदर जुड़ गए हैं और भारत माता ने हमें गोद ले लिया है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे, इससे बढ़िया खुशी हमें और कुछ नहीं है। क्या नाम बताया? सुंदर। आप पाकिस्तान में थे पहले? पाकिस्तान में, हमारे जब भारत एक था तभी तो पाकिस्तान में थे, पहले तो पाकिस्तान था नहीं, पर 75 साल से पहले तो कोई पाकिस्तान नहीं था। इसके बाद तो हमारे दादे परदादे वहीं रहते थे, बीच में तो बंटवारा हो गया, जो वहाँ था वो रुक गए, इस वजह से हम वहीं के वहीं रह गए और भारत माता हमारे से छिन गई। और अब किसी भी उम्र के बच्चे अपनी माँ बगैर तो नहीं रह सकते, ये भारत हमारी भूमि माँ है और जय श्री राम, हमारी माँ की गोद में आ गए हम तो। जय श्री राम। हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों तो 70 साल से यहाँ हमें कोई नागरिक नहीं था, सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे, लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी। अभी जो भारत सरकार ने नागरिकता ला कर दी है तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम बयान नहीं कर सकते। जो भी केंद्र सरकार ने, जो भी संतों ने, जो भी यहाँ के सनातन ने मुद्दा उठाया है, राम मंदिर का ले लो, सनातन का ले लो, कोई भी मुद्दा नागरिकता का ले लो, हम तो कहते हैं ये अवतार है। तब जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार आता है, हम तो अवतार मानते हैं। जय श्री राम।